उत्तर प्रदेश के जालौन के कोतवाली क्षेत्र के गांव कैत में 24 मई की सुबह घर से बाहर खेलते समय गायब हुए 2.5 वर्षीय मासूम का शव एक बरामद हो गया है। तालाब के किनारे कूड़े के नीचे दबा मिला है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के गांव कैत्र में इंद्रपाल सिंह का 2.5 वर्षीय मासूम बेटा 24 मई की सुबह घर से बाहर खेलते हुए अचानक गायब हो गया था। काफ़ी देर बाद भी पता ना चलने पर इंद्रपाल ने इसकी सूचना पुलिस को दी। किसी अनहोनी के संदेश से मृतक मासूम के पिता इंद्रपाल जब अपने घर के पास बने तालाब को खाली करा रहे थे तभी किनारे के कूड़े में शव दिखाई दिया, जिसके बाद उसे बाहर निकाला गया जो उसके मासूम सम्राट का था। सम्राट जो इंद्रपाल का इकलौता पुत्र था, उसका शव मिलने से पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया। काफ़ी छानबीन के बाद पुलिस ने आज उस मासूम की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। अंधविश्वास और धन के लालच में गला घोटकर मासूम की हत्या की गई थी। हत्या आरोपी ने बताया कि कालका देवी सपने में आकर कहती थी कि एक बलि दे दो और धन ले लो। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी जालौन अमेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि ये लोकतांत्रिक किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने मासूम को पहले पकड़ा, फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी, उसके बाद गांव के बाहर बने तालाब में उसको दबा दिया। अंधविश्वास में हुई हत्या में शामिल बाप और बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो यार हमें स्पेस दे यार, इधर वो खड़ा हो गए वही काम। यस सर, कैच में एक बालक की बॉडी मिली थी, क्या है पूरा प्रकरण और इसमें क्या निकल गया? अंधविश्वास में ये 2.5 वर्षीय सम्राट की हत्या की गई थी। घटना ग्राम कैथ थाना जालौन की है। 24 तारीख को ये सम्राट अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी वो घर के सामने से अचानक गायब हो गया। घर वालों ने इधर उधर तलाश की, उसके बाद जब वो नहीं मिला तो दूसरे दिन उसने मुकदमा पंजीकृत कराया। बाद में उसकी डेड बॉडी 25 मई को बरामद हुई और पोस्टमार्टम 26 को हुआ और उसमें 363, 302, 201 IPC के तहत हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, इसलिए कि अज्ञात मुकदमा था और ये घटना एक मासूम बच्चे की मौत से जुड़ा हुआ था, इसलिए बहुत चैलेंजिंग था। और हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया इसमें और बहुत गहराई से छानबीन की। उसमें ये ज्ञात हुआ कि इसकी हत्या अंधविश्वास में की गई है और जो बालक जिसकी हत्या हुई है उसके घर के सामने ही ये रामपाल और बद्री, ये बेटा और बाप, ये दोनों हैं, आपस में रिलेटेड भी हैं, ये लोग रहते हैं, इनका घर है और ये अंधविश्वासी हैं और तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं। तो पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है, रामपाल ने, कि इसको एक सपना आता था कि तुम्हारे घर में माल पड़ा हुआ है, खजाना है, और उसके लिए ये बार बार ये सपना उसको आता था। इसने अपने घर में खुदाई भी की थी लेकिन वहाँ पे संपत्ति नहीं मिली। फिर इसको एक सपना आया कि यदि कोई ऐसे बालक की आप बलि दे दो जो कि अपने माता पिता की पहली संतान हो, तो तुरंत इसके दिमाग में आया कि सामने सम्राट को अगर हम यहाँ पर ला करके पूजा घर में बलि दे दें तो फिर हमारा काम बन जाएगा। और मौका पाकर इसने सारी बात अपने पिता के साथ शेयर की और दोनों ने सहमति से ये काम को अंजाम दिया। पिता और पुत्र घटना में हमेशा साथ रहे। काजी से बोला अपने से, काजी ने सीधा बोला तुमको जैसा करना हो वैसा करो। तो सर उसी दशहरे के दिन सुबह मेरे घर पे काम लगा हुआ था लेटरिन का, तो मैंने मसाला बनाया लेटरिन का और जो कारीगर था वो काम कर रहा था। 8:30 गया था सर टाइम पर, मैं घर से बाहर निकल के आया तो ये मतलब बच्चा उनके घर की दही पर खेल रहा था, तो मैंने उसको उठाया और जो मेरे सामने वाला बाड़ा है मैंने उसको वहाँ मतलब मुँह दे रहा उसका, तो बेहोश हो गया या जो कुछ भी हो गया हो सर, मैंने वहाँ समझ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश ब्यूरो न्यूज़।